हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा कॉर्नर ब्लॉग। और यहां पर जो है मैं अपनी अदिति के बालों में यानी कि अपनी बेटी के बालों में 100 ml कोकोनट हेयर ऑयल यूज करने वाली हूं। तो मैंने अपने हस्बैंड से ऑयल मंगाया था, तो ये दूसरी किसी उसकी है तो कोकोनट पर क्या है मैंने देखा नहीं अच्छे से, तो दूसरी पैकिंग लेके आए हैं। और मैंने उस छोटे से ड्रॉप से जो कि 10 ml का होता है उससे ड्रॉप से नाप के एक कटोरी में रख लिया है, उससे ही मैं अदिति के बालों में हेयर ऑयलिंग करूँगी। और रियल साउंड में नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बहुत ही तेज बादल गरज रहे थे, जिसके लिए सॉरी। तो उसकी आवाज़ आएगी बालों की और ऑयलिंग करने की तो आवाज़ नहीं आएगी। तो मैं किसी दिन और अच्छे तरीके से, मतलब जिस दिन बारिश वगैरह नहीं होगी, धूप होगी, उस दिन मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी कर दूंगी। बनाना मुझे इसलिए पड़ा ये वीडियो क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा आ रही थी अदिति की बालों के लिए, क्योंकि एक तो उसके बाल इतने शाइनिंग और सिल्की हैं कि बहुत ही अच्छे बाल हैं उसकी बालों की जो है, तो इसलिए उसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो मैंने फिर आप लोगों की रिक्वेस्ट पर कम्प्लीट कर दिया है, रियल साउंड में नहीं बनाया है, तो उसके लिए सॉरी। और आप लोग कीजिए वीडियो को एंजॉय। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। और चलिए फिर आप लोग कीजिए वीडियो को एंजॉय। कंघी करके दिखाऊंगी, लाइज कॉम्बिंग उसने नहीं करवाई थी, बच्चे एक दो वीडियो ही बड़ी मुश्किल से बनाने दे रही थी, बनाने ही नहीं दे रही थी। और लाइज कॉम्बिंग के लिए तो वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, बोल रही थी मेरा फेस दिख रहा है तो मैं लाइज कॉम्बिंग नहीं करूंगी, तो उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ऑयल हो गया था, शाइनिंग आप लोग देख सकते हैं उसकी बालों की। तो चलिए फिर इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं और मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर बाय।